بسم الله الرحمن الرحيم ويذكركم تطهيرا हक निमंदा है दिलों जेड़ा हक निमंदा है दिलों ओ ईमान यकीन दिन आया दे उस मान दिशान दा नजरिया शैतान नहीं दिन आया और जो राज उमर दा मुनकर है ओ बशर अज दीन ते नहीं आया सिटी दा सच सिटी दा सच जे मशकूक है ता फिर सच अजे जमीन ते नहीं आया सामईन मोहतरम अल्लाह सुबहानहु व तआला दी हमद व सना दीवा दरूद व सलाम इमाम आजम इमाम कायनात इमाम मुरसलीन खातम नबीजीन मुर्शद आजम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी दुआ है अल्लाह पाक सड़ा सबदा बैठना सुनना सुनाना एहतमाम व इंतजाम करना अल्लाह अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए और जिन बच्चों ने कुरान पाक का इम्तिहान दिता है और जो हिफ्ज कर रहे ने मेरा जी करता है मैं उन्होंने वालिदैन मुबारकबाद पेश करा क्योंकि कायनात दिया तमाम डिग्रिया नालों बड़ी डिग्री कुरान पाक की डिग्री है और उन्होंने उस डिग्री को हासिल करने वास्ते अपने बच्चों को वक्फ फरमाया है अल्लाह पाक इन्हां बच्चियां नूं कामयाब फरमाए दीन ते अजीम बाअमल आलमे दीन बनाए वालिदैन वास्ते सदका जारिया बनाए अजीज दोस्तों और साथियों मेरे जिम्मे उनवान लगाया गया अजमत ए अहले बैत इंतहाई इख्तसार नाल चंद बातां तुहाडे सामने रखनियां चाहना कायनात दे अंदर घराने फैमलियां खानदान बड़े बड़े इन्हां दा बड़ा बड़ा नाम और बड़ा बड़ा चर्चा और बड़ा बड़ा शोहरा मगर हमारा भी ऐलान सुनिए हमारे अकायद भी नोट कीजिए साडा ईमान है कि
कायनात के तमाम घरानिया जो अल्लाह पाक ने नबी पाक दे घराने नबी पाक दे अहले बैत को सब नालों उच्चा अरफा आला शान अता फरमाया है। लोग कहते हैं कि अहले हदीस अहले बैत को नहीं मानते, प्यार नहीं करते, दुआओ हमारा पैगाम नोट कीजिए। साडा ईमान है कि जेड़ा बंदा अहले बैत, मैं रात भी किया है और हुन भी कह रहा और इंशाल्लाह पूरी जिम्मेदारी नाल कह रहा, जेड़ा बंदा अहले बैत या अहले बैत दे किसी एक फर्द दे बारे राई दे जर्रे दे बराबर बुगज रखता है, असी उन्हू मोमिन मुसलमान मनते नहीं? मानते हम उसको, नहीं जरूरत हमें उसकी, हम उससे प्यार भी करते हैं, उससे मोहब्बत भी करते हैं, जो अहले बैत से वफा भी करता है, मोहब्बत भी करता है और उल्फत भी करता है, दफा हो जाए जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। अहले बैत हमारे ईमान का हिस्सा, नोट करो, अहले बैत साढ़े ईमान का हिस्सा, साढ़े दीन का हिस्सा, और साडा माल, साडिया औलादा, साडे वालिदैन, साडिया जाना भी नबी पाक के अहले बैत तो इंशाला कुरबान ने। असी तो इंज की मुहब्बत करने हैं। और दूसरी बात, मैं नबी पाक की हदीस के मुताबिक करांगा। नबी पाक ने फरमाया सी, अल्लाह जिहड़ा मेरे अहले बैत तो नफरत करता है उसकी दुनिया आखरत अग नाल भर दे। असां भी कहने कि अल्लाह उसनू तबाह कर दे, उसनू बर्बाद कर दे, वर्क कर दे जो बुगज और नफरत रखता है नबी पाक की आल तो। आइए जरा तवज्जो कीजिए, कुरान पाक सुनिए बड़ी मोहब्बत ना। फरमाया फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्ज़ा अहलल बैति वयुतहिरकुम तत्हीरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं बड़ी मोहब्बत नाल और इंतहाई अदब और इंतहाई एहतराम नाल अपने हर प्याम ते दादाब दे एक दो बातां दी दावत जरूर त्याग करना। इस अजीम शान मरकज दे अंदर आने वालों, मैं मोहब्बत नाल तुहानू भी ये दावत देंगा और मैं ते हर हर जलसे जे हर महफल चे हर अपने बयान चे दावत दिया करना। जानते हो अज असी अपने आप नू कहिंदे ते मुसलमान आ, असी कहने मैं नबी पाक दा नौकर, मैं सहाबा दा नौकर, मैं अहले बैत दा नौकर, मैं हसन ते हुसैन दा दीवाना, मैं खुलाफाए राशिदीन दा गुलाम, मैं कुरान नाल मुहब्बत करने वाला, मैं हदीस नाल प्यार करने वाला,
मगर सोनियो इसरत जुबान दिया गल्ला रह गईया, इसरत जुबानी कलामी दावे रह गए। हकीकत दे अंदर असी इस्लाम तो हट गए, हकीकत दे अंदर असी अपनी बादशाह दे मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हां। मैं इहो ही दावत देनी चाहना, इहो ही पैगाम देना चाहना। सोनियो मोहब्बत पा लाओ, उल्फत पा लो, इस्लाम नल पा लो, प्यार पा लो, कुरान नल पा लो, दिल लगा लो, मेरे नबी पाक ना लगा लो। और जनाबे वाला मैं एक नुस्खा तैयार करना, अल्लाह ला उलमा दी मौजूदगी दे अंदर हजरत जनाब शायर इस्लाम भाई मोहम्मद मुआज कौसर साहेब और जनाब शेर रब्बानी मौलाना कारी मोहम्मद उमर यजदानी साहब दीगर दोस्त साहब, मैं इन्हों की मौजूदगी च दावत देनी चाहना और ये नुस्खा दे के जाना चाहना। आखिर हर बंदा ये चाहता तो है वे कि मैं कामयाब हो जावा, मैं कारोबार करा ते ता कामयाब हो जा, मैं अपनी औलाद नु कामयाब वेख जावा, मेरा घराना भी एक कामयाब घराना बन जाए, मैं दुनिया च भी हर मैदान च कामयाब हो जा, मैं आखरत च भी जनाब कामरान हो जा। सोनिया फिर आना, अगर कामयाबी जाने अगर कामरानी जाने ते नमाज पढ़िया कर और मोहब्बत नाल पढ़िया कर और वक्त ते पढ़िया कर, नमाज ना छोड़ना कारोबार पीछे लग गए, नमाज ना छोड़ना दुकानदारी पीछे लग गए, नमाज ना छोड़ना अपने यारां ते सजनां दे पीछे लग गए, नमाज ना छोड़ना अपनी फैमिली ते घराने ते पीछे लग गए। सब तो पहला नमाज है, सब कुछ बाप दे अंदर है, नमाज पढ़ना और मुहब्बत नाल पढ़ना। आओ ना अगर जाना है और दिल आबाद हो जान, दिलां दियां गलाजत खत्म हो जान, दिलां दियां मर्ज़ां मुक जान, फिर सोनिया कुरान दियां तिलावत करिया कर, कुरान पढ़िया कर और मुहब्बत नाल पढ़िया कर और इहदे ते अमल करिया कर। अपनी औलाद नूं भी कुरान दा कारी बना जा, अपनी बेटी नूं भी कुरान पढ़ा जा, अपने बेटे नूं भी कुरान की डिग्री दिला जा, अपने बेटे नूं कुछ नहीं बस ज्यादा नहीं ते कुराने पाक दा तर्जमा भी पढ़ा जा, कुराने पाक की तफसीर भी पढ़ा जा, अपनी बेटी नूं भी जनाब कुरान दा तर्जमा याद करा जा, इहनूं तफसीर भी पढ़ा जा, हो सके ते किते बुखारी भी पढ़ा जा, और तेरी औलाद भी जनाब बड़ी पुरसकून जिंदगी गुजार लेगी। अज हर बंदा चाहता है मेरा चेहरा भी चमक जाए, चेहरा तरोताजा रह जाए, मेरा कारोबार चमक जाए, मेरा घराना चमक जाए। ते आओ मैं पैगाम दिया, अगर जाना है घराना चमक जाए और चेहरा चमक जाए, औलाद चमक जाए, दुकान चमक जाए, और मेरे नतीजियां सुनतां बनाए कर, नबी पाक की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारिया कर, जेड़ा भी काम कर लगे और मेरे नबी का तरीका वेख लिया कर। अल्लाह पाक बड़िया बहारा ला देगा, अल्लाह पाक बड़िया खैरा ला देगा। ध्यान करते जाना जरा, गौर करते जाना, सुनिए ना जरा कुरान पाक सुनिए और दिल लगा के सुनिए। कुरान आंदा है फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति वयुत्तहिरकुम तत्हीरा। आओ ना मैं फिर इब्तदा
ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਨਾ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਦੱਸੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸੋਹਣੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਵਾਨ ਏ, ਇਸ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਟਿਕਟੋਕ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਂ ਜਨਾਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਟਵਿੱਟਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਬਜੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਨਾਬ, ਔਰ ਟਿਕਟੋਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਨੇ, ਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਨਾਬ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਨੇ, ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ। ਮਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਾਕ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਬੀਵੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਬੇਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੇਟੇ ਸ਼ਾਮਲ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲੇ ਅਲੀ ਸ਼ਾਮਲ, ਆਲੇ ਅਬਾਸ ਸ਼ਾਮਲ, ਆਲੇ ਜਾਫਰ ਸ਼ਾਮਲ, ਆਲੇ ਅਕੀਰ ਸ਼ਾਮਲ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਆਲ ਤੇ ਔਲਾਦ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਘਰਾਂਡਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਕੁਰਾਨ ਆਉਂਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨਮਾ ਯੁਰੀਦੁਲਲਾਹੁ ਲਿਯੁਜ਼ਹਿਬਾ ਅਨਕੁਮ ਰਿਜ਼ਾ ਅਹਲਲ ਬੈਤੀ ਵਯੁਤਹਿਰਕੁਮ ਤਤਹੀਰਾ। ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਚੱਲਾਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਸਈਦ ਖੁਦਰੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਵਖਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਆਪਣੀ ਆਲ ਤੇ ਔਲਾਦ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਨੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਆਲ ਤੇ ਔਲਾਦ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਓ ਨਾ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਇੱਕੋ ਫਿਕਰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਔਰ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਮਾਲ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਜਨਾਬ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ। ਆ ਨਾ ਕਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਨੇ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਜਾਵਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੀ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਜਹੰਨਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜੰਨਤ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਸਈਦ ਖੁਦਰੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਜਤੁਲ ਫਿਦਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਨਬੀ ਪਾਕ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਠਹਿਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਖੁਦ ਬਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰਮਾਇਆ ਓ ਮੇਰੇ ਪਰਵਾਨਿਓ, ਓ ਮੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀਓ, ਹਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੁਨਤ, ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਥਾਮ ਲਓ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆਖਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਾ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੇ ਨਿਗਾਹਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਨੇ,
नबी पाक कदी अपने सिपाहियों अपने सहाबा नूं वेंदे ने कदी आसमाना वल्ले वेंदे ने ते आप की फरमांदे ने हरमाया उज़क्किरुकुमुल्लाहु अहलल बैती उज़क्किरुकुमुल्लाहु अहलल बैती उज़क्किरुकुमुल्लाहु अहलल बैती हरमाया मेरे सहाबियो मैं तुहानू अपने अहले बैत दे मामले च अल्लाह दा वास्ता देना मैं तुहानू रब दा वास्ता देना वा मैं तुहानू अपने खालिक दा वास्ता देना वा मेरे अहले बैत दा ख्याल करिया जे अहले बैत ना मुहब्बत करिया जे अहले बैत दी फिक्र करिया जे अहले बैत नाल वफावां करिया जे मेरे नबी पाक मैं फरमाते ने और इत्थे जदों नबी पाक ने इन्नियां गल्लां कीतियां ने इस मजमे चो किन्ने मेरे नबी दे सहाबा सन और जेड़े आप दीदा हो गए कईआं ने आख्या सुनिया साडा सब कुछ आले नबी तो तुहाडे अहलो अयाल तो कुर्बान है अहले बैत तो कुर्बान है ध्यान करना जरा कुरान आंदा है फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्ज़ा अहलल बैती वयुतहिरकुम तत्हीरा ए मेरे नबी दा कराना मेरे दिल दा चैन है ए मेरे नबी दा कराना मेरी अख दी ठंडक क्योंकि मेरे नबी पाक ने फरमाया सी हबीबे किबरिया जनाबे मोहम्मद पढ़ लो मेरे नबी दा रुतबा आला सल्लल्लाहु हूं तो पढ़ लो जरा मुहब्बत न पढ़ लो मेरे नबी दा रुतबा आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोना उचियां शानां वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी दा रुतबा आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोना जो उंगली पाक इलावे सोना जो उंगली पाक इलावे चन्नी दो टुकड़े हो जावे अल्लाह अल्लाह हजरत मुस्तफा शान मुस्तफा मुकाम मुस्तफा बुलंदी मुस्तफा तवज्जो तवज्जो जरा मुहब्बत नबी दे नौकर आयो नबी दे वफादार आयो मेरे नबी पाक न प्यार करन वाले आयो नबी पाक दी आल ते औलाद न मुहब्बत करन वाले आयो आइए जरा मुहब्बत दा तराना पढ़ जावा नबी पाक दे दरूद ते पाक पढ़ जाइए रल मिल के पढ़ जाइए समा बन जाए मेरे नबी दा रुतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोना जो उंगली पाक इलावे सोना जो उंगली पाक इलावे जन्मी दो टुकड़े हो जावे सोना जो उंगली पाक इलावे चन्नी दो टुकड़े हो जावे दूमी जमाने विच मची जावे छाया हर सू छाया हर सू नूर उजाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे
नबी दा रुतबा आला सल्लल्लाहु। मिलके पढ़ लो जरा। फरिश्ते आए ने लिख के लै जान, फरिश्ते आए ने लिख के लै जान, गवाहियां पै जान। लोग कहते ने दुरूद नहीं पढ़ते, आओ असी रल मिल के पढ़ जाइए जरा। मेरे नबी दा रुतबा आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीना माई दलाल मुहम्मद, आमीना माई दलाल मुहम्मद, अब्दुल्ला दबाल मुहम्मद, जिसदी कोई न मिसाल मुहम्मद। अपनी आप मिसाल मुहम्मद, जिस दी कोई न मिसाल। और जिदे पीर दी मिसाल कोई नहीं, अद चुक के कवे सुभान अल्लाह 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 ने सारे नहीं चुके तो भी चुक्या को सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ध्यान करना जरा, मैं दोबारा जुमला पढ़ लगा। मेरे नबी दा रुतबा आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन नमाही दलाल मुहम्मद, अब्दुल्ला दबाल मुहम्मद, जिसदी कोई न मिसाल मुहम्मद। अपनी आप मिसाल मुहम्मद, अपनी आप मिसाल मुहम्मद। दीवाना जिसदा दीवाने हो, ध्यान करना जरा। मरकज मदनिया जे आन वाले हो, अज जरा पता लग जाए, भावे बंदे थोड़े बैठे जान पर शौक वाले बैठे जान। मेरे बाद ध्यान करने आज जरा। दीवाना जिसदा दीवाना जिसदा सारा जमाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैं ते अपने जौक च गल करा, भाई उमर साहब, भाई मुआज साहब की कर दोस्त साहब ध्यान करना, भाई हसन सजाद बट्टी साहब अब्दुल माजद साहब गौर करना जरा। मैं अपने जौक च गल करा, और जान दियो इतने सिर्फ तुसा कल्ले ने बैठे, इतने रहमान दे फरिश्ते भी आके बैठे ने। और लिखते ने पै केड़ा की करता पिया, केड़ा चुप करके बैठा, केड़ा नबी पाक से दरोज पिया पढ़ता है। इन्हों फरिश्तिया ने अल्लाह पाक के सामने हाजिर होना है, तो मेरे रहमान ने पूछना है, ओ मेरे फरिश्तियो कितों आए हो। अल्लाह दी असी लाहौर के फुला चुंगी समर शुद्ध का इलाका उतों आए हो, तो की करते तो पै। अल्लाह देख तेरा घराना सी, उत्थे तेरे नबी दे नौकर जमा होए सन। हाय हाय, कैसा कैसा समा होएगा, कैसा मंजर होएगा जदों तेरी मेरी हाजरी लग जाएगी। इधर जनाबे वाला अल्लाह पुछणगे फरिश्तों ओ की करते सन पै। अरशां वाले आओ नाले कुरान पढ़ते सन पै, नाले कुरान सुनते सन पै, नाले तेरे नबी दे आले पैब दा जिक्र करते सन पै, ते नाले रल मिल के तेरे नबी पाक दे दरूद पै पढ़ते सर। अल्लाह सवाब दे मोहब्बत न छाला भी तरा। मेरे देख लो फरिश्तियो, मेरे नबी दा रुतबा आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोना उच्चियां शाना वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते जान दियो ओ रहमान, ओ बड़ा ही मेहरबान, अपने बंदियां नाल प्यार बड़ा करदा है।